मेरे पास उनका तो फ़ोन आया है, वो शाम को आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि यार मेरी दिन में थोड़ी व्यस्तता है, धनखड़ जी मैं आपके पास आऊँगा। मैंने कुर्ता उतार के भी प्रदर्शित किया, मेरी वो फ़ोटो बहुत वायरल की कांग्रेसी भाइयों ने। और खिलाड़ी भी हरियाणा के बड़े खिलाड़ी हैं, हम सब का गौरव है और हम सब की भावनाएँ उनके साथ हैं। सीईटी क्वालिफाइड बच्चे जो हैं वो आपसे मिलने अगली आए सर, और पहले सरकार ने कहा था कि नहीं, उनका क्वालिफाइड एक, उनका एक जेन्युइन मुद्दा है। कैथल के जो प्रवास कार्यक्रम है, क्या इसका जो मकसद है, क्या प्रवास कार्यक्रम शुरू किया है 90 की 90 विधानसभाओं का, इसको कैथल से शुरू किया है। आज सुबह गोला विधानसभा में प्रवास था और अभी मैं कैथल में हूँ, कल पुंडरी और कलायत में रहूँगा। इस तरह से हर सप्ताह या एक आध सप्ताह बीच में गैप भी रह सकता है, किसी न किसी ज़िले में जाऊंगा और 2 दिन 3 दिन जैसी वहां की ज़रूरत होगी। हर विधानसभा को एक आधा दिन देना तय किया है, इसमें 2 हमारी मीटिंगें होती हैं, एक बड़ी एक छोटी, और उस विधानसभा के लगभग 8-10 प्रमुख लोगों से व्यक्तिगत बातचीत होती है। इस सारे का मकसद ये है कि एक तो संगठनात्मक स्थिति उस विधानसभा की कैसी है, पूरे प्रदेश की तुलना में, उस जिले की तुलना में, वहाँ 3 मंडल हैं, 4 मंडल हैं, आपस में उनकी तुलना में कौन से इलाकों में काम अच्छा हो रहा है, कौन से में कम हो रहा है, कौन से वर्गों में अच्छा हो रहा है, कौन से वर्गों में काम कम है। जो टारगेट्स हमने लिए हुए हैं पन्ना प्रमुख तक का संगठन खड़ा करने के, गली गली तक, उस पर हम कैसे अचीव कर रहे हैं, क्या हमारे लेवल पहुँचा है। दूसरा है केंद्र और राज्य सरकार की जो ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको नीचे तक पहुंचना है, तो उनके बारे में क्या स्थिति है। चिरायु कार्ड का मसला है, हरियाणा सरकार का आयुष्मान कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, इन सब से जुड़े हुए जो भी इस प्रकार के मुद्दे हैं जिनको नीचे तक, बीपीएल कार्ड का विषय है, किसी को परिवार पहचान पत्र की दिक्कतें हैं, तो उसकी स्थिति वहाँ उस इलाके में किस प्रकार की है, उसको जानना समझना और संगठन की योजनाओं का लाभ सबको नीचे तक पहुँचे। शुद्ध रूप में कहना हो तो पॉलिटिकल भी उस ज़िले की उन विधानसभाओं का एक पॉलिटिकल एनालिसिस भी इस दौरे में है। कुल मिला के किस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, हमारी, हमारे अन्य दलों की, बाकी सब की, वो भी इसका एक हिस्सा है। इस सारे को समझते हुए एक ये दौरा, मुख्यमंत्री जी का दौरा हमने अलग ढंग से डिजाइन किया है, उनका दौरा जन संवाद का है। मेरे दौरे में ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत है, ये ठीक है कि कुछ लोगों को चाय पर, भोजन पर, इसके अतिरिक्त भी बात हो रही है, लेकिन जो फॉर्मल बातचीत मेरी ज़्यादातर अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ है। तो ये दौरा हमने एक अलग ढंग से प्लान किया है, वो भी हर ज़िले ज़िले में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं। इसी तरह से एक दौरा हम और भी अभी प्लान कर रहे हैं हमारे प्रभारी जी का, विप्लव देव जी, वो भी जिला हेडक्वार्टर पर जाएंगे और एक फुल डे जिला हेडक्वार्टर पर रहेंगे और उस जिले की सारी चीज़ों को समझने का, कैसे चीज़ों को गति दी जाए, एक अपने एंगल से वो भी उन चीज़ों को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पदाधिकारी बने हैं उसको बने 2 साल हो गए हैं, तो 1-2 साल के काम की समीक्षा स्टेट लेवल की, वो भी हम कैथल में इस बार करने वाले हैं। 14 तारीख को हमने हमारे सभी मोर्चे और कुछ प्रकोष्ठों को यहाँ बुलाया है, यहीं आपके कार्यालय में बैठ कर ही हम इसमें समीक्षा करेंगे जिसमें आप बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा जून का महीना हमने एक महासंपर्क अभियान का रखा है, अलग अलग तरीक़ों से, हर लोकसभा में रैली होगी, लाभार्थियों को संपर्क करेंगे, की वोटर्स को संपर्क करेंगे, तो उसकी योजनाएं भी इस दौरे में से, मेरे घूमने से उन सारे विषयों के बारे में एक, मैं कहूँगा कि योजना की बारीकियां तो इनको हमारी मीटिंगों के बाद मिलेंगी, लेकिन उसके लिए मानसिक तैयारी इस काम में हम सबको लगना है, उस नाते से वो भी दौरे में हो रही है। आज दिन भर से इतना रिस्पॉन्स है कि मैं आपके पास देरी से पहुँच पाया हूँ, इसी कारण से जगह जगह लोग मिल रहे हैं और बहुत उत्साह, बहुत चाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रति, मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, मोदी जी के कामों के प्रति है, हरियाणा सरकार के कामों के प्रति है, गजब का रिस्पांस जो है लोगों का है। जो हम लक्ष्य लेकर चले हैं कि पार्टी को गली गली तक खड़ा कर दें, हर 15 वोटों पर हमारा प्रमुख, पन्ना प्रमुख खड़ा हो जाए, उस पर तेजी के साथ हमने एक लक्ष्य भी रखा हुआ है, 23 जून तब तक हम हर जो है विधानसभा तक पन्ना प्रमुख बना देंगे, 15 घरों पर एक कार्यकर्ता खड़ा कर देंगे, उस लक्ष्य को समय रहते
पूरा करेंगे उस हिसाब से इस काम में जुटे हुए हैं। पब्लिक को क्या इसका जो है लाभ मिलेगा? देखिए, पब्लिक का विषय जो मैं बता रहा हूँ कि जो एक समय था, इसमें मेरी उम्र के भी कुछ लोग होंगे या थोड़े कम होंगे, अपना देश ऐसा था कि आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना बहुत कठिन काम था। राजीव गांधी ने खुद एक बार कहा था कि एक रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं। हम ABBP के कार्यकर्ता थे तो गीत गाया करते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला, करोड़ों घरों में न पूछा, खुला पिंजरा है मगर रक्त फिर भी थके पंछियों के परों में न पूछा। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसी सरकार है जो समग्र की चिंता करती है। ODF हुआ तो पूरा देश हुआ, रसोई गैस पहुँची तो पूरे देश के हर घर में पहुँची, बिजली पहुँची तो देश के हर घर में पहुँची, वैक्सीन लगे तो हर नागरिक को लगे, हर घर में नल से जल पहुँचाने का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई सीमित क्षेत्र तक कोई चीज़ें पहुँचेंगी। मुझे वो दिन याद है जब मेरे घर की अपनी गैस के लिए पुप्पन ओम प्रकाश कोहली जी, जो बाद में राज्यपाल रहे, अभी थोड़े दिन पहले उनके स्वर्ग सिधार गए, वो राज्यसभा सदस्य थे, उनके कूपन से मिले थे। अब मैं विद्यार्थी परिषद में था, वो भी विद्यार्थी में थे, वहीं से राज्यसभा पहुँचे थे काम करते करते, BJP में बाद में जाते थे, तो मेरा टेलीफोन भी उनके कूपन से मिला था। लेकिन आज के युग में, उस युग में कितना परिवर्तन आया है जिसको हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति तक चीज़ें पहुंच रही हैं। तो जो अभी की चीज़ें हैं जो कर रही है सरकार, उन सारी चीज़ों के बेनिफिट वो किस तरह से आम व्यक्ति तक पहुंचे, कोई कठिनाई उसमें है जिस भी प्रकार की, वो कठिनाई दूर करने के लिए, देखिए हमारे संगठन का भी मुझे ये कहने में आपको आनंद ही है कि ग्रेजुअली विकास है। पहले हमारा संगठन केवल संगठन के लिए संगठन था, हम केवल संगठनकर्ता बने, फिर जब हम जनसंघ बनाया, चुनाव लड़ने लगे, तो हम चुनावी कार्यकर्ता बने, लेकिन जीतने वाले कम थे। उस समय हमको इलेक्शन मैनेजमेंट तो सीखा, लेकिन वोट मैनेजमेंट बहुत नहीं आता था। फिर हम आंदोलनकर्ता बने, राम जन्मभूमि आंदोलन, 370 के विरोध में आंदोलन, कश्मीर मार्च, और उसके साथ साथ फिर हम वोट मैनेजमेंट करना भी सीखे, चुनाव जीतना सीखे, राज्यों में देश में सरकार बनानी आई, उस नाते से इस काम में आए। लेकिन कोरोना आया तो प्रधानमंत्री जी ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को नया डायमेंशन दिया जो पहले किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं था। संगठन सेवा ही संगठन है, और इस सारे समय में संगठन के सब लोगों ने काम में लगना चाहिए, तो वो हमें इस बात का आनंद है। अनिल विज जी ने कहा कि मेरे सरकारी जितने भी CSCs हैं उनके साथ कैटरिंग सर्विसेज नहीं है। हमने कोरोना में BJP के लोगों ने सबके साथ भोजन देने की व्यवस्था की, सबके साथ करें, जरूरत नहीं पड़ती थी अपने यहाँ, लेकिन कोरोना में जरूरत पड़ी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 470 अमेरिका से मंगा के हमने जिले जिले हेडक्वार्टर पर पहुँचाए, यहाँ भी असुविधा कुछ आई होंगी। इसी तरह से जो है रेमडेसिविर, ब्लैक फंगस की दवाई हमने विदेशों से मंगाई जबकि आ भी रही थी सरकारी। हमने इसलिए मंगाई कि सरकारी सिस्टम में आने से कई बार 15 दिन महीनों लग जाते हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ एक देश के लिए टेंडर नहीं कर सकती, एक कंपनी को टेंडर नहीं कर सकती, सरकार को ओपन टेंडर करने पड़ते हैं, सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं, और एक प्राइवेट आदमी से तुरंत खरीद के अगली फ्लाइट से मंगा सकता है। इस बात को ध्यान, कल्पना मेडिकल कॉलेज को दी हमने अपनी ब्लैक फंगस की दवाइयाँ, लेकिन केवल प्रयोग करने के लिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम कितने घंटों में अवेलेबल करा सकते हैं। तो इस नाते से सेवा ही संगठन पर हम गए, और अब प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम शासन प्रशासन सहयोगी बनके योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचाए। मौजूदा दौरे में देखिए, जो आप कह रहे हैं मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्या जो मौजूदा विधायक हैं और सांसद हैं उनके काम की समीक्षा इसमें मीटिंगों में हिस्सा रहे? निश्चित रूप से जब मेरी बातचीत हो रही है तो वो कैसा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में कितने उपस्थित है, स्वाभाविक रूप से उनकी भी, संगठन के बाकी कार्यकर्ताओं की भी, बाकी नेताओं की भी, सबके काम का एक तरह से अंदाज जो है उसमें से आ रहा है कि किस नाते से कितनी मेहनत हमारे सब जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा? अभी बहुत जल्दी है, अभी चुनाव 1 साल बाद है, तो इसलिए वो उसको बहुत जल्दी कहेंगे आप हमको। लेकिन एक जिसको मैं कहूँगा कि 1 साल पहले का एक इस दौरे के बाद मेरे पास एक अच्छा व्यू होगा कि आज पार्टी कैसा काम कर रही है, पार्टी के जनप्रतिनिधि कैसे काम कर रहे हैं, पार्टी का संगठन कैसा काम कर रहा है, और नीचे तक का फीडबैक सरकार की योजनाओं के बारे में क्या है। यानी पहले भी देखने में आया है कई कार्यक्रमों में, पर आज भी
जो स्थानीय विधायक है भाजपा के विधायक है वो नजर नहीं आते। मेरे पास उनका फोन आया है, वो शाम को आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि यार मेरी दिन में थोड़ी व्यस्तता है, धनखड़ जी मैं आपके पास आऊंगा आने वाले। संगठन में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है और उन्होंने खुद मुझे फोन किया है तो वही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कोई शादी वो बता रहे थे पहले मैं आने वाला आने वाला गाँव से ही सरकार चलती है लेकिन आप देख रहे हो धरातल पे कि कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढा ना और लोग बोल भी रहे होंगे। सबसे बड़ी देखिए मैं भी आज आया हूँ उस सड़क की बात मैंने आते हुए खुद हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे मैंने खुद बात की है, उनने कहा कि टेंडर हुआ है गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए गया हुआ है। खुद रास्ते में मेरी बात हुई, ये बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हो कि जब मैं पटियाला के रास्ते से इस रास्ते पर आया हूँ हाँ चीका से जब आया हूँ तो सड़क की हालत बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी की सड़क बाकी पर तो मैं नहीं गया हूँ गया तो बताऊँगा लेकिन इसी समय में हम एक बहुत अच्छा वो भी देख रहे हैं मतलब इसका एक बहुत अच्छा पहलू भी एक समय में है। ये सड़कें जैसे आपने कहा मैंने माना लेकिन 152D भी इसी युग की देन है। जयपुर दौसा कभी जाके जाके आइए, जयपुर दौसा पर जरूर एक बार जाके आइए। मैं आपको स्थानीय विधायक की जिम्मेवारी नहीं पड़ती वो ग्राउंड रिपोर्ट करें। नहीं देखिए वो भी उनके माध्यम से भी चीज़ें पहुंचती हैं। वहाँ मुझे कहा वहाँ जो लोकल लोगों ने उन्होंने भी कहा, रवि तारावाली जो हमारे चुनाव लड़े थे, कुलवंत बाजीगर इन सब ने भी कहा और उनकी एक अपनी रिपोर्ट है लेकिन उनसे भी आगे की रिपोर्ट भी तो चाहिए ना, तो इसलिए उससे आगे की रिपोर्ट लेना प्रदेश के नेता के नाते से प्रदेश के संगठन के दायित्व के नाते से मेरी भी जवाबदेही है उस नाते से मैं वो अपनी रिपोर्ट करते हैं वो एक अलग विषय है। कार्यकर्ताओं की आज की मीटिंग है वो चुनाव के संदर्भ में है संगठन को लेकर है? अभी संगठन को लेकर है, चुनाव तो अभी एक साल दूर है। प्रधानमंत्री जी को 30 मई को 9 साल पूरे होंगे उनकी सरकार को, उसके आगामी जून महीने के कार्यक्रम भी उसका विषय है। नीचे तक संगठन खड़ा होना पन्ना प्रमुख तक वो भी एक उसका विषय है। जो सरकार की योजनाएं नीचे तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं उसमें क्या दिक्कत कठिनाई क्या सुधार हो सकता है और उसमें हमारा कार्यकर्ता कैसे फैसिलिटेटर बन सकता है ये उसका संस्कार बने उसके काम में लगे। मैं जब कार्यकर्ताओं को ये बात बताता हूँ तो मैं खुद का एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ बहुत बार और मैं मीटिंग में भी देता हूँ ये एग्जांपल। जब मैं प्रदेश महामंत्री था तो शुरू में हमारे प्रदेश महामंत्रियों पर कार नहीं थी, सब बस में आते जाते थे। साधन उस समय पार्टी के पास भी कम थे, पार्टी भी छोटी थी। तो मनोहर लाल जी जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक मारुति कार ली 92 नंबर की और वो सेकेंड हैंड गाड़ी थी, शायद कुछ साथियों को याद हो। तो मैं भी महामंत्री था, वो संगठन महामंत्री थे, तो मेरे मन में आया कि मुझे भी अब कार में जाना चाहिए। मैं टीचर था उस समय तो मैंने अपने एक दो साथियों को जिक्र किया भी मुझे भी अब कार में जाना चाहिए, एक महामंत्री जी कार में जाते हैं तो मैं बस में जाता हूँ। तो उनने कहा ठीक है आप भी कार ले लीजिए, मारुति 2 लाख रुपए में कार देती है और पंजाब नेशनल बैंक उसके लिए फाइनेंस करता है, आप जाओ फाइनेंस करा और ले लो। तो मैं बैंक में गया तो बैंक में उन्होंने कहा कि आपको 25,000 रुपये भरने पड़ेंगे। आप उस समय तो 25,000 भी नहीं थे, वो मार्जिन मनी था उसका। तो जो हमारे साथी थे वो कोऑपरेटिव बैंक में थे जिनसे बात हुई थी, उनके पास आके मैंने बताया वो तो 25,000 रुपये मांग रहे हैं। तो बोला 25 भी नहीं है, मैंने कहा नहीं। उन्हें कहा कि लाओ मेरे बैंक से मैं आपको फर्नीचर का लोन दे देता हूँ, हम फर्नीचर का लोन देते हैं और वो ले जाके वहाँ जमा करा देना और वहाँ से कार का लेकर अपनी कार चलाना। तो मैं फार्म लेके आया उनको दिया, ओहो बोला इसमें तो 15 ही मिलेगा, तो 15 देते हैं हम। तो मैंने कहा आप क्या करें, बोला एक मास्टर जी और ले आओ अपने दोस्त किसी को। तो मेरे एक मित्र हैं राजीव कटारिया मेरे साथ पढ़ाते थे, मैं उनको और ले गया, उन्होंने 30,000 रुपये दिए मुझे, कहा लो रजिस्ट्रेशन और एसेसरीज के भी मिल गए। तो उन्होंने अगर वो फैसिलिटेटर का काम नहीं करते उस समय तो हो सकता है मेरे को वो गाड़ी मिलने में और कई दिन लग जाते। तो बीजेपी कार्यकर्ता इस प्रकार से सरकार की नीतियों के संबंध में लोगों का के मददगार बने, उनका हाथ थाम कर बने, उनके लिए इस प्रकार के योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैसिलिटेटर की भूमिका निभाई। 9 साल पहले आप जिन मुद्दों को लेकर नए सड़क पर आंदोलन करते थे, आपकी सरकार बनने के बाद में क्या सारे मुद्दे सोल्व हो गए? वो देखिए
मुझे इस बात का आनंद है कि 9 साल पहले मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष था और मैंने स्वामीनाथन रिपोर्ट इस देश में लागू हो इसके लिए देशव्यापी आंदोलन किए थे, रेलें रोकी थी, पद यात्राएँ की थी। आप याद करना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैंने कुर्ता उतार के भी प्रदर्शन किया। मेरी वो फोटो बहुत वायरल की कांग्रेसी भाइयों ने, और मेरा एक रिवाड़ी रैल का भाषण भी बहुत वायरल किया। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम उस समय जो आंदोलन किया उस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में लाए और हमने A2+FL वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के का C2 है, लेकिन हम A2+FL जो है वो देने में कामयाब हुए हैं। हम फसल बीमा योजना जो वो लागू करने में कामयाब हुए और आज 1100 करोड़ रुपया सालाना हरियाणा सरकार ने कंपनसेशन दिया है हरियाणा में, जबकि पिछले 10 साल देखेंगे हुड्डा सरकार के तो सारा 1100 करोड़ है। 2.5-2.5 रुपए के भी चेक देते थे, हमारे समय में किसी को 2.5 रुपए का चेक नहीं मिला होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का जब मैं शुरू हुआ तो 6000 रुपए था, उसको भी हमने पहले 12 किया, अब 15 है। और हम यहाँ सारी फसलें खरीदते हैं हरियाणा में। इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल बाकी भारत के किसी भी राज्य में नहीं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि फसल बीमा जो लागू हुआ वो हमने हरियाणा की जरूरत से बनाया था, देश भर में लागू हुआ। क्योंकि जब आपको ध्यान होगा 2015 में ओलावृष्टि हुई तो हमको 1000 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा देना पड़ा था, लगभग 1025 करोड़ था। फिर अगले फसल पे सफ़ेद मक्खी आ गई कपास पे, तो हमको 940 करोड़ देना पड़ा। 1800 करोड़ रुपया हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का था। अभय सिंह जी ने कहा, अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में कि दो बार तो बांट दिया, अब कहाँ से दोगे? निश्चित रूप से मेरे लिए सवाल था। तो मैंने ही फसल बीमा इनिशिएट हो इसकी योजना बनाई और ख़ुद प्रधानमंत्री जी के यहाँ मैं देकर आया। PMO में मेरी दो बार डिस्कशन हुई, फिर अरुण जेटली जी ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि इसको हम देश भर में लागू करेंगे, आप इस पर अब नहीं बोलिएगा। वो स्वर्ग में है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। अरुण जेटली जी ने उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पूरे देश में काम किया और आज हमको खुशी है कि वो एक अच्छा कंपनसेशन का मुआवजा देने में हरियाणा सबसे अच्छे राज्यों में एक है। मुझे खुशी है कि जिन मुद्दों को मैंने उठाया या मेरी किसान मोर्चा की टीम ने उठाया, नायब जी भी उसका हिस्सा होते थे, उसको हम कामयाब करने में अपने समय में हम कामयाब हुए। कांग्रेस पार्टी जिसने 2004 में कमीशन बनाया था, कमीशन तो अटल जी ने बनाया था वास्तव में, सोमनाथ शास्त्री कमीशन, लेकिन उसको बदल के स्वामीनाथन साहब, MS स्वामीनाथन साहब बनाए, अच्छे आदमी हैं स्वामीनाथन साहब। स्वामीनाथन साहब ने 2 साल में रिपोर्ट दे दी, अक्टूबर 2006 में, और उसके बाद 14 तक कांग्रेस का राज था, पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। आज बयान देते हैं कांग्रेस के लोग। और फिर 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी जिसके मुखिया खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वो भी कमेटी की रिपोर्ट दिसंबर 2010 में सौंप दी गई। 14 तक सरकार थी, एक भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की। और आज उन बयान वीरों के बयान देखोगे तो इतने बड़े बड़े बयान देते हैं कि लगेगा कि ये तो बड़े भारी हितेशी हैं। तो इसलिए ये ज़रूर देखना चाहिए। आज वो कहेंगे कि 50,000 मुआवजा दे दो, अपना राज था जब 2.5-2.5 रुपये के चेक देते थे, 6,000 रुपये से बढ़ा नहीं था, झूठ बोल के राजस्थान की सरकार बनाई थी, कर्जा माफ करो, राहुल गांधी के बयान आपको याद हों, और बाद में किसान ढूंढते रह गए। तो ऐसे झूठों से जरूर बचना, मैं जरूर कहूँ। सर CET क्वालिफाइड बच्चे जो हैं वो आपसे मिलने अगली आए सर, और पहले सरकार ने कहा था कि उनका एक जेन्युइन मुद्दा है। सरकार ने एक इस ढंग से चीजें ले ली कि ऊपर के लोगों को बुलाना शुरू किया है, तो जो समग्र है पूरा ग्रुप उनको लगता है कि हमारा नंबर इसमें से आना कठिन होगा। उन्होंने अपना मुद्दा उठाया है, मैं निश्चित रूप से सरकार तक उनका मुद्दा पहुंचाऊंगा। उनकी भावना भी ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग कई बार जो इस प्रकार से होती है कि हमको वहाँ कितने लोगों को बुलाना उस नाते से, लेकिन समग्र की अपेक्षा भी स्वाभाविक है, उनका मुद्दा भी नेचुरल है, जिसको मतलब समझा जाना चाहिए। सर, आपके प्रवास के कार्यक्रम के बाद इसके समापन पर तो क्या इसमें अगर कुछ खामियां मिली संगठन में कोई बदलाव हो सकता है? अभी भी हो रहा है, वो तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं, कुछ वो तो लगातार चलता है। सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा ही सरकार में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है?
इस सरकार में धरने क्यों रह जाता इसी में एक और बात सर की गठबंधन के भविष्य को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही है। पिछले दिनों जो सीएम साहब का बयान आया कि रूलिंग पार्टी तो भाजपा है, जसपा तो मात्र सहयोगी दल है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक तो गठबंधन का सवाल तो आप सबने कई बार जवाब सुन लिया होगा और नाना मुखों से वो सबने कहा दिया, उसमें तो जेजेपी के नेताओं ने भी कह दिया, आपने भी कहा है, और उसमें साफ स्पष्ट बात यह है कि अभी हमारा गठबंधन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन जब चुनाव आएगा 2024 का, इस विषय पर कोई निर्णय होगा तो आपसे साझा करेंगे। जो दूसरा विषय कहा कि पहलवानों का जो विषय है, उसके भी दो हिस्से हैं। उसका एक हिस्सा है, कुछ बहनों ने आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए, और उसकी रिपोर्ट भी हुई है, जांच भी चल रही है, जांच भी निगरानी में चल रही है, और जरूर सबकी भावना ये है कि न्याय होना चाहिए। खिलाड़ी भी हरियाणा के बड़े खिलाड़ी हैं, हम सबका गौरव है और हम सबकी भावनाएं उनके साथ हैं। उसके साथ साथ एक मुद्दा उसमें और भी है, और वो मुद्दा जो है, मैं कहूँगा कि खेल का जो संगठन है उस पर किसका अधिकार हो, ये मुद्दा उन्होंने पहले भी उठाया था और अभी भी वो उठा रहे हैं। तो उस नाते से उस पर भी खेल मंत्रालय बात कर रहा है। खुद अनुराग ठाकुर जी मेरे को इन दिनों में दो बार मिले हैं खेल मंत्री, तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि ये इस मुद्दे को जल्दी एड्रेस करना चाहिए, जिससे इनको इससे न्याय मिले। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई को लेकर सर क्या कुछ कहना? इसके बाद नायब जी कर्नाटक चुनाव में थे, सबसे उच्चा उत्तर ये दे सकते हैं, तुमकुर जिले के आसपास की 11 सीटें देख रहे थे और ये वहाँ पूरा समय थे पूरे चुनाव में, इसलिए नहीं वो वहाँ इतनी बड़ी हिस्सेदारी हरियाणा जाके देखे। रिजल्ट के बारे में आप सब लोगों ने जो सर्वे दिखाए हैं, एग्जिट पोल दिखाए हैं, उसमें से हंग असेंबली का आप लोगों ने दिखाया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार।